प्लस वन स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग विद द चैप्टर पीरियोडिक टेबल. टिल डेट वी हैव डिस्कस्ड दैट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और बोहर्स लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. बट इसमें क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो ये अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर अरेंज किए गए. तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी. क्या कारण है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट करती है. तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज द रूट कॉज ऑफ दिस पीरियोडिसिटी. लाइक लिथियम 2-1, सोडियम 2-8-1, पोटेशियम 2-8-8-1. तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सिमिलर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना ही मेन कॉज है उनकी प्रॉपर्टीज की रिपीटेशन का. नाउ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल और बोहर्स पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको कि हम ग्रुप्स कहते हैं, एंड 7 हॉरिजेंटल रोज, जो कि रोज हॉरिजेंटल होती है. नाउ उनको हम पीरियड्स भी कहते हैं. तो ये मैंने एक ब्रीफ स्केच दिया पीरियोडिक टेबल का, बोहर्स पीरियोडिक टेबल. तो इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीरियड्स में जो फर्स्ट पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो दैट इज द शॉर्टेस्ट. उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड में 8-8 एलिमेंट्स है, दैट इज शॉर्ट पीरियड्स. एंड फोर्थ और फिफ्थ में 18-18 एलिमेंट्स है, दैट इज लॉन्ग. एंड सिक्स्थ इज द लॉन्गेस्ट, दैट इज हैविंग 32 एलिमेंट्स. एंड सेवन्थ इज स्टिल इनकम्प्लीट. तो यू कैन सी द स्केच. इसमें हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स, पी ब्लॉक में 6, इसमें प्योरली मेटल्स और इसमें जनरली नॉन मेटल्स. लेकिन जो डी ब्लॉक है दैट कंसिस्ट ऑफ 10 ग्रुप्स, 3rd till 12th. इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंजिंग फ्रॉम मेटालिक टुवर्ड्स नॉन मेटालिक. इसमें तो लास्ट एलिमेंट एस और पी में अल्टीमेट शेल में आएगा, बट इसमें पेनल्टीमेट शेल में आएगा, एक अंदर वाली शेल में, एन माइनस वन डी में. लाइक फर्स्ट सेकेंड थर्ड में तो इन पीरियड्स में तो डी ब्लॉक आएगा. फोर्थ पीरियड में आफ्टर फिलिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एस ऑर्बिटल डी ब्लॉक की एंट्री होती है. लेकिन हमने एन माइनस वन में फिल करना है, तो इसका मतलब जो डी ब्लॉक है इट कंसिस्ट ऑफ 4 सीरीज, 3D, 4D, 5D, 6D. तो 3D इज अ कंटिन्यूशन 21 से 30. तो ये 3D सीरीज है जो कि फोर्थ पीरियड में आई. ऐसे फिफ्थ पीरियड में 4D सीरीज आई, दैट इज अगेन इन कंटिन्यूशन 39 से 48. जो सिक्स पीरियड है, सिक्स पीरियड में 5D सीरीज, सबसे पहले लैंथेनम आएगा 57, उसके बाद 14 एलिमेंट्स यहां से नीचे रखे गए हैं, 58 till 71. फिर 72 से 80 दोबारा से कंटिन्यूशन. ये एलिमेंट्स यहां से उठाकर नीचे रखे गए. ऐसे ही सेवंथ पीरियड में जो 6D सीरीज है उसमें एक्टिनियम 89 आता है, 90 till 103 एलिमेंट्स, अगेन एट द बॉटम, 104 से कंटिन्यूशन में, एंड इट इज स्टिल गोइंग टू बी फिल्ड. तो ये डी ब्लॉक था जिसमें की प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज हो रही है फ्रॉम मेटालिक टुवर्ड्स नॉन मेटालिक. नाउ कमिंग टू एफ ब्लॉक. F ब्लॉक में 2 सीरीज हैं, 4F एंड 5F. इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर से उठाकर रखे गए. तो 58 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट्स है इसमें एंटी पेनल्टीमेट शेल फिल होता है. इसमें n माइनस, इसका मतलब इसमें n माइनस 2, इसमें n माइनस 1 था, इसमें n माइनस 2F.
इसका मतलब जब हमने 6 का एस फिल किया, 5 का डी फिल किया, तो 4 का एफ फिल किया. लाइकवाइज 7s 6d, लेकिन जो एफ है वो 5 का है. तो 90 थोरियम, लाइक दैट 92 जो है वो यूरेनियम है. 92 से लेकर जितने भी बाकी के एलिमेंट्स हैं वो सारे मैनमेड हैं, सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं. इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं. तो लाइक इस बूहर से हैं जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल है उसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, दैट इज मेन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, देन ट्रांजिशन, एंड देन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. रेस्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.